दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे कुछ लीक्स और रूमर्स दिखाए जा रहे थे, वो थे जहाँ पे बताया जा रहा था कि जो डिवाइस आने वाला है जहाँ पे आपको 10 GB रैम देखने को मिलेगी, जहाँ 210 GB रैम। तो ऐसे में आप लोग जानते होंगे वो कौन फोन होगा, वीवो X7 को लेके। तो बेसिकली ऐसा जिक्र मैंने अपने टेक न्यूज़ के एपिसोड में भी किया था, लेकिन आज एक और रिपोर्ट निकल गई है, मतलब कि एक और आर्टिकल को मैंने पढ़ा है जहाँ पे ये बताया जा रहा है इस डिवाइस के बारे में कुछ और कमाल के स्पेसिफिकेशन बताया जा रहा है, और साथ ही प्राइस जो है बहुत ही अफोर्डेबल होने वाला, बोले तो एकदम किलिंग प्राइस है, एकदम फ्लैगशिप किलर वाला प्राइस है, और बहुत ही कमाल का स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ वीवो X7 को लेकर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है, तो आप देख रहे हैं छोटा वीडियो, छोटा वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के बारे में विस्तार से बात करने से पहले मैं आपको इमेज दिखाना चाहूंगा। एक इमेज है, आप इस इमेज को देख लीजिए, जो स्मार्टफोन आने वाला है इसी से मिलता जुलता देखने को मिलेगा। जैसे आपको इसमें एज डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, इस इमेज में बेसिकली जो आने वाला थी वो X7 है। उम्मीदें ये की जा रही है कि उसमें भी आपको इसी प्रकार का एज डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो बहुत ही कमाल का हो सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन को लेके, उसके बाद बात करूंगा स्मार्टफोन ऐसा आया तो क्या होगा, अगर नहीं आया तो क्या होगा, और एक्सपेक्टिंग प्राइस क्या है, और साथ ही साथ जो लीक प्राइस है वो क्या है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन को लेके। तो शुरुआत करेंगे जनरल स्पेसिफिकेशन से। दोस्तों, आपको ब्रांड देखने को मिलेगा वीवो, मॉडल है X7। ये जो स्मार्टफोन है एंड्रॉइड 7.1 नुगट पे ही वर्क करेगा, और ओरियो आपको बाद में देखने को मिलेगा। नेटवर्किंग कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो डुअल सिम स्मार्टफोन रहेगा, दोनों नैनो इंडियन मेंस 4G को सपोर्ट कर लेगा, GSM सिम देखने को मिलेगा। यहाँ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, क्विक चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। डिजाइन की बात कर ले तो डिजाइन के बारे में कुछ बताया नहीं गया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो स्मार्टफोन दो कलर में को देखने को मिल सकता है, एक हो सकता है ब्लू, एक हो सकता है ब्लैक। ऐसे में बात करें पर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले को लेके बहुत ही कमाल का स्पेसिफिकेशन है। यहां दोस्तों, डिस्प्ले को रिलेटेड ये बताया गया है कि यहां पर आपको देखने को मिल सकता है 5.7 इंच का एक क्वाड HD डिस्प्ले। फिर से सुनिएगा, 5.7 इंच का एक क्वाड HD डिस्प्ले, जहां पे आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी 5.5 यानी 515 PPI पिक्सल पर इंच। एक सुपर AMOLED पैनल होगा, यानी जो डिस्प्ले पैनल है वो एक सुपर AMOLED, और साथ ही साथ यहां पे आपको जो प्रोसेसर मतलब जो स्क्रीन का डिजाइन है वो आपको देखने को मिल जाएगा 18 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले। तो ऐसे में जो डिस्प्ले है बहुत ही कमाल का होगा। बात करें यहाँ पे प्रोसेसर यानी परफॉर्मेंस को लेके, तो यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर भी बहुत ही कमाल का बताया गया, देखने को ये मिलेगा यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 रिपोर्ट के अनुसार से। तो ये जो 835 एक फ्लैक्सिबल का प्रोसेसर है, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसके 4 कोर बेस्ड 2.45 GHz पर और 4 कोर बेस्ड 1.9 GHz पर। यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर 64 बिट की देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे GPU की बात कर ले, इसका जो साथ देने वाला ग्राफिक कार्ड है वो आता है एंड्रीनो की तरफ से 540 GPU। यहाँ पे रैम आपको देखने को मिल जाएगी 10 GB की, जैसा कि आपको मालूम है, जहाँ पे आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा करीब करीब 256 GB की, और एक 512 GB वाला वेरिएंट भी आएगा इंटरनल स्टोरेज पे, जहाँ पे आप उसे एक्सपैंड नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आप एक्सपैंड नहीं कर सकते रिपोर्ट के मुताबिक। कैमरे के बारे में बात करें तो कैमरा तो बहुत ही कमाल का बताया जा रहा है, जैसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 20+8 MP का डुअल फ्रंट कैमरा, 20+8 MP का डुअल फ्रंट कैमरा। आप समझ सकते हैं फ्रंट कैमरा कितना कमाल का देखने को मिलेगा। क्या फ्रंट कैमरा तो आपको कमाल को देखने को मिलेगा, लेकिन बात करें यहाँ पर रियर कैमरे की, तो रियर कैमरे के बारे में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 16+13 MP का डुअल रियर कैमरा। तो आप कैमरा तो समझ लीजिए, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर कैमरा आ गया तो कैमरा बहुत ही कमाल का होगा भाई, ये तो मान लीजिए। समझ सकते हैं डुअल कैमरा, फ्रंट में भी डुअल कैमरा, रियर में भी, यानी क्वाड कैमरा। बेसिकली ऑनर ने अपने कुछ डिवाइस के साथ किया था, लेकिन वहां पे जो आपको सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है वो है 2 MP का, तो वो डेप्थ सेंसिंग कुछ कमाल का कर नहीं पाता है, एक ठीक ठाक से दे देता है लेकिन कुछ कमाल का नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे जो आपको सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलेगा, शायद वो टेलीफोटो लेंस हो, साथ साथ डेप्थ सेंसिंग भी करे, तो ऐसे में बहुत ही कमाल का कैमरा तो खैर होने वाला अगर यही मेगापिक्सल कैमरा आया, मतलब जो स्पेसिफिकेशन बताया जा रहा यही कैमरा आया तब। बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो बताई जा रही है कि 3500 mAh की आपको एक लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको क्विक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो मीन्स बैटरी आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 5.7 इंच का स्क्रीन है, सुपर AMOLED डिस्प्ले है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका प्रोसेसर देखने को मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835। फिलहाल के लिए प्रोसेसर लेटेस्ट नहीं है क्योंकि 845 आ चुका है, लेकिन ऐसे में ये बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है, पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो ऐसे में ये जो प्रोसेसर है 10 nm टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, बहुत ही फास्ट प्रोसेसर है, मतलब पावर एफिशिएंट चिपसेट है, तो ऐसे में बैटरी बैकअप आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बात कर लें यहाँ पे सेंसर की, तो यहाँ पे आपको मिला जुला के रिपोर्ट के अनुसार सभी प्रकार के सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर,
आपको मिला जुला के सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो जायरोस्कोप हो, चाहे वो कंपास हो, एम्बिट लाइट सेंसर हो, जितने भी सेंसर सब देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में यहाँ पे कुछ और जनरल स्पेसिफिकेशन जैसे वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, तो ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे किलिंग बताया गया, मतलब जो सबसे बहुत ही कमाल का बताया गया है, वो है इसका प्राइस। तो प्राइस के बारे में बताया ये जा रहा है कि जो स्मार्टफोन है करीब करीब 30,000 रुपये के अंदर स्मार्टफोन ये लॉन्च हो सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर 30,000 के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च हो गया तो वीवो कमाल करके रख देगा दोस्तों। जी हाँ, स्मार्टफोन के मार्केट को हिला देगा वीवो, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इतना कमाल का स्पेसिफिकेशन कोई नहीं देता है। 30,000 के अंदर आपको 835 गिने चुने डिवाइस में देखने को मिल जाएंगे, जैसे वन प्लस के 5T या फिर 5, तो वो भी 30,000 के अंदर नहीं आते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैमरा कमाल का, फ्रंट में भी रियर में भी दोनों में कमाल कमाल का दोनों कैमरा है, चाहे वो प्राइमरी कैमरा हो या फिर सेकेंडरी कैमरा हो। बेसिकली देखने वाली बात यह होगी कि अगर इसी प्राइस में वीवो लॉन्च हुआ तो साथ ही साथ सेल्फी पे फोकस किया है और साथ ही साथ मिला जुला के एक अच्छा खासा ब्रांड भी इंडिया में बन चुका है, मतलब बहुत सारे सेल जनरेट कर लेता है। तो ऐसे में अगर ये कर दिया तो जो वीवो का सेल जनरेट कर रहा है, मीन्स वीवो का जो उपाधि है वो ऊपर चला जाएगा, यानी वीवो बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन बनाने वाला है। अरे बन गया तो बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन होगा, बहुत बिकेगा इंडिया के अंतर्गत। तो दोस्तों बेसिकली यही है स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन लीक्स और रूमर्स पर आधारित। बेसिकली इसके बारे में ऑफिशियली नहीं बताया गया, जितना भी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया ये लीक्स और रूमर्स पर आधारित है दोस्तों। और इसी हिसाब से, मतलब जो लीक्स और रूमर्स हैं इसी के हिसाब से अगर आ गया ये स्मार्टफोन तो बहुत ही कमाल का होने वाला है, पूरे स्मार्टफोन मार्केट को हिला के रख देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो स्मार्टफोन के बारे में मैंने आपको बताया आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना चाहूँगा। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं हमसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।